Hey guys. Hi, good evening everyone. Hello, a very good evening to all of you. So, guys, give me a thumbs up. So we'll start in 2 minutes. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। क्विज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉलिटी क्विज है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसको हमने ऐसे ऑर्गेनाइज करा है ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी तरीके से होती रहे। सो वी आर डिस्कसिंग वील बी डिस्कसिंग मेनी कॉन्सेप्ट्स थ्रू दिस क्विज। वील ट्राई एंड डिस्कस अराउंड 15 कॉन्सेप्ट्स थ्रू MCQs। तो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, उसे हाथों हाथ अप्लाई भी करेंगे MCQ के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर वन इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो पहला सवाल है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करें रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द कंटेम्प्ट ऑफ लॉ इज द ऑफेंस ऑफ बीइंग डिसोबीडियंट टू और बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अ कोर्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल 129 एंड 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स द कोर्ट्स टू होल्ड इंडिविजुअल्स इन कंटेम्प्ट। कि इंडिविजुअल्स को कंटेम्प्ट पर रखा जाता है आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 के तहत। तो बेसिकली आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, 215 हाई कोर्ट का आर्टिकल है। तो आपको ये बताना है दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है, कोर्ट को इनेबल करते हैं टू होल्ड इंडिविजुअल्स इन कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि आपने कोर्ट की मर्यादा का पालन नहीं करा। सो यू हैव बेसिकली नॉट ऑनर्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट और द वे बिहेवियर हैज़ टू बी डन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट डन बाई यू। सो दिस इज टर्म्ड एज कंटेम्प्ट। इसे कंटेम्प्ट माना जाता है। तो उसका जवाब देने की कोशिश करें प्लीज। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन।
सो गाइस ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में. आइए समझते हैं क्या कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ बीन डिफाइंड बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है 1971, इट डिवाइड्स कंटेम्प्ट इनटू सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये संविधान द्वारा डिफाइंड नहीं है. सिविल कंटेम्प्ट के बारे में देखें, इट इज़ विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिग्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेसेस ऑफ अ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट. ये चीज़ है. तो विलफुल ब्रीच है ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट ऑफ लॉ. तो आप अगर मान लीजिए कोर्ट का नोटिस आए, कोर्ट का अपियरेंस का नोटिस आए, कोई जजमेंट है, कोई डिग्री है, कोई डायरेक्शन है और आप उससे अडियर नहीं करते हो, उसे कंटेम्प्ट कहा जाता है. दैट इज टर्म्ड एज सिविल कंटेम्प्ट. उसे सिविल कंटेम्प्ट कहा जाता है. तो सिविल कंटेम्प्ट इज व्हेन यू डू नॉट अडियर टू व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ. दैट इज टर्म्ड एज सिविल कंटेम्प्ट. वेयर एज द क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज व्हेन यू लोअर द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट बाय यूजिंग वायलेंस, by interfering in between what the judge is saying, interfering in the proceeding that is happening. जिस तरीके से justice provide हो रहा है उसमें आप बीच में अड़चन बनते हो, obstruction बनते हो, scandalize कर रहे हो court को, judge को धमकी दे दो, इसको criminal contempt कहा जाता है. तो आप ध्यान रखेंगे civil और criminal contempt में basic difference ये होता है. और constitutional provisions क्या है? Article 129, it grants Supreme Court the power to punish for contempt of itself. कि अपने आप के कंटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है पनिश कर सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनीवन फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट. आर्टिकल 142 क्लॉज 2 इनेबल्स द सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट. कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और पनिश कर रहे हो किसी भी पर्सन को फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अपने कंटेम्प्ट के लिए. एंड आर्टिकल 215 ग्रांट्स एवरी हाई कोर्ट द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. The power to punish for contempt of itself, Article 215. It grants every High Court the power to punish for contempt of itself. So Article 129 and 215 respective courts ko power deta hai in order to punish for its own contempt. So contempt of law is the offense of being disobedient to or being disrespectful towards a court of law. And Article 129 and 215 enables the courts to hold individuals in contempt. दोनों स्टेटमेंट्स सही है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सी इज करेक्ट. सी जो है वो सही है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये मतलब होता है. दोनों स्टेटमेंट सही है. क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट ICCPR. इस पर क्वेश्चन आने की इस बार काफ़ी संभावना है. ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में रही है पिछले 1-1.5 साल में. इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स. तो सिविल राइट्स पोलिटिकल राइट्स पर अंतर्राष्ट्रीय कॉवेनेंट है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स. कंसिडर द फॉलोइंग: राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of assembly. Which of the above are human rights under international covenant on civil and political rights? तो इनमें से कौन से human rights मानव अधिकार है under international covenant on civil and political rights? बताइए. right to life है, freedom of speech है, freedom of assembly है, इनमें से कौन से human rights है under ICCPR? ICCPR में इनमें से कौन से human rights है आपको बताना है. कोशिश करके बताइए प्लीज, इनमें से कौन से human rights है. I want everyone to answer, please. सब लोग जवाब दें. देखिए ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. तो ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. International Covenant on Civil and Political Rights is a multilateral treaty adopted by UNGA, United Nations General Assembly Resolution in 1966. तो UNGA ने 1966 में ICCPR अडॉप्ट करा था जिसके तहत ह्यूमन राइट्स बताए गए हैं. तो आप देख सकते हैं, कॉवरेंट कमिट्स इट्स पार्टीज टू रिस्पेक्ट सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स
इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स एंड राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड अ फेयर ट्रायल. तो राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लाइफ, ये सारे कॉन्वेंट्स जो हैं यहाँ पे आते हैं एज अ पार्ट ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. तो ICCPR इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये अंतर्राष्ट्रीय बिल है ह्यूमन राइट्स और ICCPR इसका पार्ट है, अलॉन्ग विद इंटरनेशनल कॉवरेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ICSCR. तो इंटरनेशनल कॉवरेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैज बीन गिवन एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR. तो ICSCR, सो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स अलॉन्ग विद इंटरनेशनल कॉवरेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो उसके तहत जो ह्यूमन राइट्स कोटेड है उसकी एक बार लिस्ट आप दोबारा देख लीजिए. राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स एंड राइट्स टू ड्यू प्रोसेस. दिस इज समथिंग विच इज कोटेड एज अ ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स हैज बीन गिवन. इट इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी अडॉप्टेड बाई UNGA. तो राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली हैज बीन गिवन ओवर हियर. एंड विच ऑफ द अबव आर ह्यूमन राइट्स अंडर ICCPR? सारे ही ह्यूमन राइट्स हैं. सो द आंसर इज डी फॉर दिल्ली. 1, 2, 1, 3 आर करेक्ट. तीनों सही हैं. ICCPR. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. रूल ऑफ लॉ, डाइसीज रूल ऑफ लॉ. तो डाइसीज रूल ऑफ लॉ को देखते हुए इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंसिडर करें. फर्स्ट देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड. ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था. रूल ऑफ लॉ इंश्राइन्स इन द प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन हुआ था. Equality before law and primacy of the rights of individual is the implication of rule of law. So equality before the law and the primacy of the rights of individual is the implication of the rule of law. ये rule of law का implication है. तो आपको बताना है तीनों में से कौन सा statement सही है. Which of the following three statements are correct? बताइए please. Try and answer this question. प्लीज सब लोग आंसर करो. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर प्लीज. So rule of law, the doctrine of rule of law originated where? Did it originate in England or it originated elsewhere? Rule of law is enshrined in the preamble of our constitution. आइए देखें rule of law. So A.V. Dicey की किताब है Law of Constitution 1885 में लिखी गई थी. Has given the following three implications of the doctrine of rule of law. कि कानून का rule चलता है. So rule is of law. Rule is not of one person. Rule is not of a dictator. Rule is of a law. This is something that A.V. Dicey quoted in his book, The Law of the Constitution. Absence of arbitrary power. Arbitrary power, जो random power है, वो absent है, मतलब किसी के हाथ में power है, वो absent है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून सबसे supreme है. No man is above law. No man is punishable except for a distinct breach of law. पहली चीज, absence of arbitrary power. This is very, very important. No person is beyond law or no person is above law. Second is equality before the law. कि कानून की नज़रों में सब एक समान है. इक्वालिटी बिफोर द लॉ. कानून की नज़रों में सब एक समान है. इक्वालिटी बिफोर द लॉ.
ये हमारे आर्टिकल 14 में इंस्ट्राइंड है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। एंड द थर्ड इज प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कि अधिकार जो है एक इंडिविजुअल के वो प्राइम है। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, दीज थिंग्स आर कोटेड। तो ये चीज़ जो है रूल ऑफ लॉ, इट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड एंड इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। लॉ इज सुप्रीम, सबसे ऊपर कानून है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मोनार्क, किंग, क्वीन, एलिजाबेथ, चार्ल्स, ये सब उसके बाद आते हैं। तो प्रिंसिपल इज लॉ इज सुप्रीम एंड हेंस द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ। सो इट शुड गवर्न अ नेशन एज अपोज टू बीइंग गवर्नड बाय आर्बिट्रेरी डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कि आर्बिट्रेरी डिसीजंस है ऑफ इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको गवर्न किया जाता है। लॉ शुड गवर्न अ नेशन। तो रूल ऑफ लॉ और भारतीय संविधान का क्या एसोसिएशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स याद आ रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 ने इसे इनकैप्सुलेट करा है। सो प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। समटाइम्स प्लानिंग एंड वेलफेयर स्कीम्स, तो प्लानिंग स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम्स एसेंशियली स्ट्राइक एट रूल ऑफ लॉ बिकॉज दे अफेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड लिबर्टी इन मेनी वेज, कि इंडिविजुअल फ्रीडम को और लिबर्टी को कई सारे तरीकों से ये अफेक्ट करते हैं। सो रूल ऑफ लॉ प्लेज एन इफेक्टिव रोल बाय एम्फसाइजिंग अपॉन फेयर प्ले एंड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो फेयर प्ले पे एम्फसाइज करेंगे एंड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज वॉट रूल ऑफ लॉ डज, इट प्लेज एन इफेक्टिव रोल। सो इट लेज ग्रेटर एम्फसिस अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस, किसी भी तरह का आर्बिट्रेरी नेचर, आर्बिट्रेरी लीडर, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस, ये सब खत्म हो जाएगा क्योंकि सब कुछ चलता है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, विच इज सुप्रीम। ओवर द ईयर्स द कोर्ट्स हैव यूज्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, कोर्ट द जुडिशरी स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक एन एक्टिविस्ट, जैसे आपके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं, सिमिलरली कोर्ट भी एक एक्टिविस्ट की तरह एक्ट करता है, जुडिशियल एक्टिविस्ट हो जाता है, टू एक्सपैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। दिस इज समथिंग दैट द कोर्ट ऑफ लॉ डज, रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So, doctrine of rule of law originated in England, the statement is correct. Rule of law enshrines in the preamble of our constitution, बिल्कुल सही बात है. Equality before law and primacy of the rights of an individual are the implications of rule of law. So, equality before law and primacy of rights of individual, law is supreme, ये rule of law के वो है. And तीसरा जो है, तीन basically implications है rule of law के. तीसरा है, arbitrary power does not matter, rule of law matters. तो तीनों statements सही है, C is correct. I repeat, C is करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा रूल ऑफ लॉ को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए? व्हाट क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज अ पार्टी एट द स्टेट लेवल? व्हाट क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज अ पार्टी एट द नेशनल लेवल? ये दो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, आपको याद रहने चाहिए। सो व्हाट क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड to have the party at the state level? Consider the following statements. Securing 2 seats and 6% valid votes polled in the last assembly election. Securing at least 6% of the valid votes and win at least 1 seat in the Lok Sabha general election. Aapko batana hai in dono mein se kaun sa criteria hai state political party ko recognize karne ka. Bataiye, in dono mein se kaun sa criteria hai? I want all of you to answer. आइए देखें स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। द लॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ
पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 29 कैपिटल ए सेट्स डाउन सर्टन कंडीशंस फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म एंड गेट रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो क्या है दैट इट सेट्स डाउन सर्टन कंडीशंस फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म एंड गेट रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इट मस्ट कंसिस्ट ओनली ऑफ इंडियन सिटीजन्स. ये किसको कंसिस्ट करता है? इसमें सिर्फ भारतीय नागरिक आते हैं, इंडियन सिटीजन्स. इट मस्ट कॉल इटसेल्फ अ पॉलिटिकल पार्टी सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस. वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी सेटअप कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड फॉर नो अदर पर्पस. कोई और पर्पस नहीं है. इट मस्ट हैव एटलीस्ट 100 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स एज इट्स मेंबर्स. 100 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स होने चाहिए. ये तो खैर मतलब ये तो अचीव हो जाएगा. इट मस्ट कंसिस्ट ओनली ऑफ इंडियन सिटीजंस. पोलिटिकल पार्टी सेटअप फॉर पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस. 100 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स एज इट्स मेंबर्स. ये सब होना चाहिए. RPA 1951 सेक्शन 29 कैपिटल ए सर्टन कंडीशंस फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू गेट रजिस्टर्ड बाय ECI. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? जैसा मैंने आपको बताया था, नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, दो तरीके की पार्टीज हैं. तो इस रिकग्नाइज करने पे ये जो है ये औधा मिलता है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा. सो कंडीशन फॉर बींग लिस्टेड एज नेशनल और स्टेट पार्टी आर स्पेसिफाइड अंडर इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968. अब हमसे सवाल यहाँ पे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछ रहा है. द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड अबाउट द स्टेट पार्टी. तो स्टेट पार्टी में क्या खास बात है टू बी एलिजिबल फॉर द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी? इसमें क्या खास बात है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस टू बी एलिजिबल फॉर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी? आपको क्या, एनी वन ऑफ द 5 कंडीशंस नीड टू बी सैटिस्फाइड. 5 कंडीशंस है. कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो आप स्टेट लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी की तरह ऑर्गेनाइज, आप स्टेट लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किए जाते हो. तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपकी 2 सीट आनी चाहिए असेंबली इलेक्शन में, जो भी लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था, और 6% वोट शेयर. मतलब असेंबली इलेक्शन में 2 MLA आपके होने चाहिए प्लस 6% वोट शेयर. जितने टोटल वोट्स हैं उसमें से 6% आपके नाम पे वोट आए प्लस आपकी 2 सीटें, आप 2 सीटों पे आप जीते हो, MLA हैं. तो या तो ये कंडीशन है, नहीं तो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट शेयर. ये नेशनल लेवल पे हो गया, 6% वोट शेयर इन लोकसभा प्लस 1 MP की सीट, 1 सीट MP की, ये जीतनी पड़ेगी. ये दूसरी कंडीशन है. तो अगर MLA है तो 2 सीट्स प्लस 6% वोट शेयर असेंबली इलेक्शन में, नहीं तो 1 सीट MP प्लस 6% वोट शेयर लोकसभा इलेक्शन में. तीसरा है 3% ऑफ टोटल असेंबली सीट्स और 3 सेट सीट्स विच एवर इज मोर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मान लीजिए यूपी में 403 सीटें हैं, यूपी के विधानसभा में 403 सीटें हैं, उसका 3% निकालोगे तो 12 सीटें होती हैं, 12-13 सीटें होती हैं. तो 13 और 3 विच एवर इज मोर, 13 सीट्स, आपके 13 MLA आ गए पिछले असेंबली इलेक्शंस में, आपके 13 MLA आ गए. बहुत बड़ी बात है. 1 of every 25 लोकसभा सीट्स, 25 लोकसभा सीट में से एक आपकी आई हो. मतलब अगर लोकसभा के की 100 सीटें हैं तो आपके 4 जो हैं आपके स्टेट से सीटें आई हैं, या 4 लोग आपके स्टेट से इलेक्ट हुए हैं. अगर 100 लोकसभा 25 पे एक मानते हैं तो आपके स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन, अगर लोकसभा में मान लीजिए 200 सीट्स का, महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन 50 सीट्स का है, तो आपकी 2 सीटें लोकसभा से आनी चाहिए पर 25 वन, तो हर 25 पे एक. एंड 8% स्टेट वाइड वोट शेयर इन ईदर द लास्ट लोकसभा और लास्ट असेंबली पोल्स, पिछले लोकसभा में और पिछले असेंबली पोल्स में 8% स्टेट वाइड वोट शेयर, 8% स्टेट वाइड वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा और लास्ट असेंबली पोल्स. तो आपको ये पांचों में से कोई भी एक, आई रिपीट, पांचों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बोलोगे. करेंटली देर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर इंटरनल डेमोक्रेटिक रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. द ओनली लिमिटेड प्रोविजन इन द लॉ रिक्वायर्स एन एक्सप्लिसिट अंडरटेकिंग प्लेजिंग ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द प्रिंसिपल्स इनश्राइंड इन इट. जो भी उसमें उसूल इनश्राइन करे हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं. All of those are included over here. The rules and regulation to govern internal party operations, all of them are listed over here. State party to be eligible for state political party, ये सब चीजें यहाँ पे आ रखी हैं. Loss of recognized status, a political party, पहले political party ने पांचों में से एक condition satisfy करी तो उसको state party का दर्जा मिला होगा. क्या वो खत्म भी हो सकता है? So if given status only if it fails to fulfill any one of the conditions for 2 successive assembly elections. इसके बाद 2 सक्सेसिव असेंबली इलेक्शंस, 2 इलेक्शंस का मतलब 10 साल. फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स अगर आप पांचों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो यू डोंट डिजर्व द स्टेटस. मतलब आपकी रिकग्निशन उतनी है ही नहीं, आपको क्यों मिले वो स्टेटस? डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. ECI इज नॉट एम्पावर्ड टू डी रजिस्टर पार्टीज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. आप डी रजिस्टर नहीं कर सकते पार्टी को ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आप उसे
आप उस पे आप उसको समन कर सकते हो, आप उसके खिलाफ नोटिस इशू कर सकते हो. यू कैन आस्क देम नॉट टू से सर्टन थिंग्स, बट यू कैन नॉट डी रजिस्टर अ पोलिटिकल पार्टी जस्ट बिकॉज दे हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो सिक्योरिंग 2 सीट्स एंड 6% वैलिड वोट्स पोल्ड इन द असेंबली इलेक्शन, 2 MLA और 6% वोट्स, या 1 MP और 6% वोट्स, ये लोकसभा में है. दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलता है. दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट. सी इज द राइट ऑप्शन, सी जो है वो सही ऑप्शन है. सो गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट पार्टी. क्वेश्चन नंबर 5 शेड्यूल्ड ट्राइब. शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी कम्युनिटी, फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस का को प्रोटेक्ट करो और उसका इंटरेस्ट जानो. सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम, सीटें इनके लिए रिजर्व करी गई हैं, इन डिफेंस सर्विस, इन पब्लिक सर्विस, इन एजुकेशन एंड लेजिस्लेचर. डिफेंस में, पब्लिक सर्विस में, एजुकेशन में, लेजिस्लेचर में, आपको बताना है इनमें से कौन सी सर्विसेज में सीटों को रिजर्व किया गया है, इनमें से कौन सी सर्विसेज में सीटों को शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व किया गया है, बता सकते हो? एसटी रिजर्वेशन आपने कहाँ देखा है? हैव यू सीन एसटी रिजर्वेशन एनीवेयर? सही बात है, डिफेंस में रिजर्वेशन कैसे चाहिए हो सकता है? हाउ कैन यू नीड रिजर्वेशन इन डिफेंस? डिफेंस सर्विस इज ओपन, कोई भी ज्वाइन करे. पब्लिक सर्विस में है, एजुकेशन में है, लेजिस्लेचर में फिक्स्ड रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन आप फिर भी इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर रिजर्वेशन देते हो. अदर देन दैट नो वन नीड्स रिजर्वेशन इन डिफेंस. सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर वेरियस ऑफिशियली डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑफ हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज पीपल इन इंडिया, जो हिस्टोरिकली जो ऐतिहासिक तरीके से डिसएडवांटेज लोग हैं भारत में, वो सारे यहाँ पे आते हैं. दे कम ओवर हियर. इंडिया कैन प्राउडली बी कॉल्ड द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस. तो शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को आप सोशल इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करोगे एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, हर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और इससे आप प्रोटेक्शन दोगे. तो आर्टिकल 46 में एससी एसटी वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्टेट इसके खिलाफ लॉ बनाता है, जो कि बनाया है एससी एसटी अट्रॉसिटीज एक्ट ऑफ 1989, आपने देखा हो. तो आर्टिकल 243 कैपिटल डी प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड पंचायत. Article 330 provides reservation of seats for scheduled tribes in the House of the People. Article 332 provides reservation of seats for scheduled tribes in legislative assemblies of the states. So, seats jo hai scheduled tribes ke liye reserved hai. They are reserved for scheduled tribes and panchayats. 330 provides reservation of seats for scheduled tribes in the House of People, Lok Sabha, and scheduled tribes in legislative assembly of the states. Article 332. Ye cheez hai. आर्टिकल 334 334 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर एस सी एस टी इन द लोकसभा एंड स्टेट विधानसभाज. देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूँ, अभी फिर से एक बार बता देता हूँ, दैट यहाँ पे जो रिजर्वेशन है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड साइजेबल पॉपुलेशन. कोई कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ पे एस सी एस टी आप ये समझ लीजिए साइजेबल पॉपुलेशन में है और इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, तो आर्टिकल 334 के हिसाब से उसको रिजर्वेशन देना इनके हाथ में है. दे कैन गिव रिजर्वेशन. Other specific safeguards have been provided in Article 244, read with the provisions contained in 5th and 6th schedule of the Constitution of India. ये चीज़ करी गई है, पांचवा और छठा schedule of the Constitution of India. तो safeguard करने के लिए 5th और 6th schedule है 334, seats of SC and ST in the Lok Sabha and State Vidhan Sabhas. तो defence service में reservation नहीं है, public service, education, legislature तीनों में reservation है. 2, 3 and 4 are correct. B for Bombay is the correct option.
बीफ और बॉम्बे जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी पे सवाल है, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज एनश्राइंड इन व्हाट? चलो बताओ, प्रियम्बल, FR, FD, TPSP, किसमें इंस्ट्राइंड है? जेंडर इक्वालिटी किसमें लिखा हुआ है? द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रियम्बल। इक्वालिटी की अगर बात करें, फंडामेंटल राइट्स में वुमेन एंड चिल्ड्रन, आर्टिकल 15, रिजर्वेशन अगर उनके लिए आप अलग से करो, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में यू ट्रीट एवरी वन इक्वली। कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली ग्रांट्स इक्वालिटी टू वुमेन बट ऑल्सो एम्पावर्स द स्टेट टू अडॉप्ट मेजर्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन फॉर न्यूट्रलाइजिंग द क्यूमुलेटिव सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन एंड पोलिटिकल डिसएडवांटेजेस फेस्ड बाय देम। तो क्यूमुलेटिव सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन एंड पोलिटिकल डिसएडवांटेजेस फेस्ड बाय देम, दिस इज समथिंग दैट हैज बीन मैंशनड ओवर हियर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिविलेजेस क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर वुमेन। तो वुमेन के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब वुमेन आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। स्टेट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ RRCSP। ये तो आपको खैर पता होगा ही, मतलब सिंस यू हैव बीन स्टडिंग फॉर सो लॉन्ग, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन दीज ग्राउंड्स। द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के फेवर में कोई स्पेशल प्रोविजन जो है वो स्टेट करे तो इसको आप आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं मानोगे। And the state to direct its policy towards securing for men and women equally the right to an adequate means of livelihood. 39 clause है, मैंने आपको भी बताया था, adequate means of livelihood and equal pay for equal work for both men and women. तो equal pay for equal work for both men and women, this is something which has been included that there should be no discrimination on the basis of gender. Same काम है, same effort है, तो आप दोनों को equal pay दोगे। तो प्रियम्बल में भी है, FR में भी है, ड्यूटीज में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, चारों में जो है ये चीज दी हुई है, जेंडर इक्वालिटी इज एनश्राइंड इन ऑल द फोर थिंग्स, इन ऑल फोर थिंग्स, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला देखिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। The term independence of judiciary has neither been defined in the Constitution of India nor in the General Clauses Act. आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। Which of the following statements are correct? Which of the following statements are correct? जमीला बानू, अभिषेक, जलाज देव, RJB, स्वप्निल घोषाल, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। मतलब भी देखिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं इसलिए जुडिशरी के इंडिपेंडेंस होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज वी आर व्हाट, वी आर अ डेमोक्रेसी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ऑफ मॉडर्न ओरिजिन एंड एक्सेप्टेड एज अ हॉलमार्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट। एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट का हॉलमार्क है, बट द टर्म इंडिपेंडेंस हैज नीदर बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर इन द जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है,
इंडिपेंडेंट जुडिशरी को होना है, बट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है ये पता नहीं. सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द कोर्ट्स एंड अलाउज टू बी एक्सरसाइज विदाउट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस. बिना एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस के वो जो है एक्सरसाइज करता है. जुडिशरी हैज़ टू बी फ्री फ्रॉम द कंट्रोल एंड सबॉर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेचर. इट हैज़ टू बी फ्री फ्रॉम द कंट्रोल, कंट्रोल से फ्री रहो एंड सबॉर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेचर. इसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं कि जुडिशरी के ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस ना हो. जुडिशरी अगर आप चाहते हो अनबायस तरीके से बिना किसी झुकाव के, अगर वो आप चाहते हो डिसीशन पास करे या ओपिनियन पास करे या जजमेंट पास करे, किसी का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर नहीं होना चाहिए. ना ही एग्जीक्यूटिव का, ना ही लेजिस्लेचर का, ना उनको अपना नौकरी जाने का खतरा होना चाहिए, ना ट्रांसफ़र का खतरा होना चाहिए, ना सैलरी कम होने का खतरा होना चाहिए. तो इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी. जुडिशल इंडिपेंडेंस इज इंपॉर्टेंट टू द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के आइडिया के लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है. जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना डेमोक्रेसी में इसलिए ज़रूरी है बिकॉज पीपल कैन रिलाई ऑन जुडिशरी. इफ़ देर इज़ अ मिस्टेक विच हैज़ बीन कमिटेड बाई ईदर द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर, यू कैन अप्रोच द जुडिशरी एंड जुडिशरी कैन सेट द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर राइट. पहली चीज़. और दूसरी चीज़, लॉज आर इन्फोर्सेबल बाय जुडिशरी. और कौन कानून इन्फोर्स करता है? और तो कोई करता नहीं. सो जुडिशियल इंडिपेंडेंस सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी. पहला स्टेटमेंट सही है. द टर्म इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैज़ नीदर बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट. दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं. सी इज द राइट ऑप्शन. बोथ वन एंड टू आर करेक्ट एंड सी इज द राइट ऑप्शन. इसको ध्यान रखिएगा. राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 का पार्ट हुआ करता था. Right to property ceased to be a fundamental right with the 44th Constitutional Amendment Act in 1978. And Article 300 Capital A requires the state to follow due procedure and authority of law to deprive a person of his or her private property. आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. Which of the following options are correct? ध्यान से बिल्कुल बताइए इस सवाल का क्या जवाब होगा. What is the answer to this question? ध्यान से आपने क्वेश्चन पढ़ा. पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. सो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 31. अ सिटीजन्स राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट. ह्यूमन राइट है प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करना. द स्टेट कैनॉट टेक पोजेशन ऑफ इट विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर एंड अथॉरिटी ऑफ लॉ. प्रॉपर कानून बिना फॉलो करे आप उस पर पोजेशन नहीं ले सकते. सो राइट टू प्रॉपर्टी सीज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट विद द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978. तो इसको अमेंडमेंट, इसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए. सो इट वॉज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए. आर्टिकल 300 कैपिटल ए रिक्वायर्स द स्टेट टू फॉलो ड्यू प्रोसीजर एंड अथॉरिटी ऑफ लॉ टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज और हर प्राइवेट प्रॉपर्टी. कि किसी को आपने डिप्राइव करा है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से. आप देखिए, डिप्राइव आप किसी को नहीं कर सकते. आपको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्ड करनी है, कोई कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है जिसके लिए आपको लोगों की प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, तो उसको प्रोक्योर करने के लिए जो सेफगार्ड लोगों को दिया हुआ है वो ये है 300A की. राइट टू प्रॉपर्टी होल्ड करना मेरा अधिकार है. आपको चाहिए तो आप
तमीज से मतलब जो है आप उसको लीजिए. सो राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट विथ 44th Act. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये. 300A रिक्वायर्स अ स्टेट टू फॉलो ड्यू प्रोसीजर एंड अथॉरिटी ऑफ लॉ टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज और हर प्राइवेट प्रॉपर्टी. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट क्योंकि दोनों सही हैं इसलिए आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नीदर वन नॉट टू. ध्यान रखिएगा नीदर वन नॉट टू. क्वेश्चन नंबर 9. पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पेसा एक्ट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 96. व्हाट इज द रोल और पावर ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज. ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज. आपको बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. बताइए जी. आइए देखें. 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ग्राम पंचायत जो है जो रूरल एरियाज का लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है उसको उसको यहाँ पे उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया. दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो पेसा इज अ लॉ इनएक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कवर द शेड्यूल्ड एरियाज. तो अब पॉइंट ये है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ग्राम पंचायत रिकग्नाइज हो गया. जितने भी विलेजेस हैं तो उनमें जो गवर्नमेंट है उसे ग्राम पंचायत बोलेंगे विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज. तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्निशन मिली है. अकॉर्डिंगली उनको जो है पावर्स मिलेंगी, बजट्स दिए जाएंगे, ये सब कुछ होगा. तो अब ये देखा गया कि ऐसे जो विलेजेस हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड जहाँ पे ट्राइबल ट्राइब्स रहते हैं, जहाँ पे ट्राइब्स डोमिनेट करते हैं, उनका क्या होगा, व्हाट वुड हैपन टू देम. सो जो कि 73rd अमेंडमेंट में कवर्ड नहीं है. सो व्हाट आर द की फीचर्स. ग्राम सभा टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशंस बिलीफ्स एंड कल्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज. ग्राम सभा वुड बी प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशन बिलीफ्स एंड कल्चर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज. ग्राम सभा टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट कॉमन प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन देयर ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन. ग्राम सभा टू हैव द राइट्स ओवर MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके ऊपर अधिकार है. पावर टू रिस्टोर लैंड टू द ट्राइबल्स एंड कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग टू ट्राइबल्स. ट्राइबल वेलफेयर एक्टिविटीज बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोकल प्लान्स एंड सब प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड कम्युनिटीज. की डेवलपमेंट हो रहा है ट्राइबल एरियाज और कम्युनिटीज का. तो मनी लेंडिंग टू ट्राइबल्स, ट्राइबल वेलफेयर एक्टिविटीज बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोकल प्लान्स एंड सब प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड कम्युनिटीज. तो ये ग्राम सभा को स्पेशल पावर्स दी गई थी पीसा एक्ट में फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस. इन द शेड्यूल्ड एरियाज देयर विल बी अ मिनिमम ऑफ 50% सीट्स रिजर्व फॉर STs एट ऑल द टीयर्स ऑफ पंचायत. सारे टीयर्स ऑफ पंचायत में कम से कम इतनी सीटें रिजर्व रहेंगी. तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 96. व्हाट इज द रोल और पावर ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज. एब्सोल्युटली ट्रू. ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ओनरशिप है और ये इनके पास होता है. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस धरती के ऊपर जो चीजें होती हैं, घास, फूल,
फूल, पेड़, पत्ती, लकड़ी, ये सारी चीजें। इस पे पहला हक जो है वहां की ग्राम सभा का है, ग्राम पंचायत, शेड्यूल्ड एरियाज की ग्राम पंचायत का है। उसे अगर वो बेचना चाहे तो ही गवर्नमेंट अक्वायर कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। सो एंड द थर्ड इज रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज। कोई भी मिनरल जो है शेड्यूल्ड एरिया में इस तरीके से यहाँ पे जो है ऑब्टेन करा जाता है, ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल्ड एरिया। कि कोई भी मिनरल जो है शेड्यूल्ड एरिया में उसका प्रोस्पेक्टिंग माइनिंग लीज जो है वहां से आता है। सो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी फॉर डेली इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सो PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है। PVTG इज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 UT। अब देखिए पूरा फैक्चुअल है तो ये कुछ चीज़ें तो ध्यान होनी चाहिए, फैक्ट्स भी याद होने चाहिए। स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग द PVTG स्टेटस एंड देर आर 92 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। इरुलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ PVTGs। तो ये चार स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सो व्हेन वी टॉक अबाउट PVTGs पर से 18 स्टेट्स एंड 1 UT, हाउ इज इट वर्किंग, यहाँ पे उस चीज पे हमने चर्चा करी है। सो देर आर 92 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। क्या 92 है या उससे कम ज्यादा है तो बताने की कोशिश करिए। टेंथ टेंथ नाइन्थ नहीं है, टेंथ, 10वें का सब जवाब बताइए। देखिए 92 PVTGs नहीं है, 75 PVTGs हैं। तो आप देखिए देर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, उसमें से 700 750 के आसपास जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं और उसमें से 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं PVTG। सो इन इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन इज अबाउट 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 8.6% है पूरी जनसंख्या की ट्राइबल पॉपुलेशन। PVTGs are more vulnerable among the tribal groups. Due to this factor, more developed and assertive tribal groups take a major chunk of the tribal development funds, because of which PVTGs need more funds directed for their development. 75 tribal groups, अब ये ध्यान रखिएगा, जितने scheduled tribes हैं उसमें से 75 recognize करे गए हैं Ministry of Home Affairs द्वारा as PVTG, particularly vulnerable tribal groups. PVTGs reside in 18 states and UT of Andaman and Nicobar Islands. इसको ध्यान रखिएगा, इरुलर, कोंडा रेड्डी ट्राइब, कोल्लम, बिरजिया, जेनू कुरुबा एंड सहारिया आर सम ऑफ द PVTGs. ये है जो न्यूज में रहते हैं वेरी ऑफन। तो अगर किसी ट्राइब को PVTG का दर्जा देना है तो उसके लिए आप क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हो? प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, सब कुछ हाथ से होता है। स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो स्टैग या तो सेम है या डिक्लाइन कर रही है। एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी अमिडस्ट दोज पीपल, ऑब्वियसली प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से मतलब आप समझ लीजिए शहर दिखता भी नहीं है दूर दूर तक, तो लिटरेसी लेवल लो होगा बिकॉज दे डोंट मिंगल विद द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन, सो दे वुड ऑब्वियसली बी बैकवर्ड। लिटरेसी नहीं होगी, कुछ नया कुछ करने का वो नहीं होगा। एंड अ सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, जो कुछ उगाते हैं जो कुछ करते हैं वो सब खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। सो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, अ सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, तो क्राइटेरिया फॉलोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ PVTGs आर एज अंडर, ये चीज है। सो PVTG रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 UT। वन, अ स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग PVTG स्टेटस। देर आर 92 PVTGs, नो देर आर 75, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट के गलत होते ही आपके पास सही आंसर आ जाता है, सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इरुलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इन द लिस्ट ऑफ PVTG, ये लिस्ट है PVTG की।
वन टू एंड फोर, सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रिट. रिट पे सवाल है, द पावर टू इशू रिट्स हैज बीन एनविसाज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स. इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसपे पावर ऑफ रिट जो है वो बोली हुई है कि रिट आप इन्फोर्स कर सकते हो या रिट जो है वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो द पावर टू इशू रिट्स हैज बीन एनविसाज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स. ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये तो आना चाहिए अब आप लोगों को. को वारंटो पे सवाल है, ये भी एक तरह की रिट है. तो एसोसिएटेड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग को वारंटो. रिट कैन बी इशूड टू फोर्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टैचुटोरी ड्यूटी. रिट इज यूज टू प्रोटेक्ट अ सिटीजन फ्रॉम द होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही हैज नो राइट. द रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट द सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व. इट कैन ऑल्सो भी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस, कि प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ भी ये चीज़ इशू करी जा सकती है. आपको बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है. बताइए जी, गलत कौन सा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है. रिट को डिस्कस करें. देखिए, को वारंटो की रिट है, को वारंटो. सो सवाल पूछता है व्हाट इज योर अथॉरिटी. आपने अगर कुछ काम करा है तो क्या आपने अपने दायरे अथॉरिटी ज्यूरिसडिक्शन में रहकर करा है. सो दिस इज कॉल्ड एज को वारंटो रिट. द रिट ऑफ को वारंटो आस्क्स दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज योर अथॉरिटी. तो इसमें जो आपने अपॉइंटमेंट्स करे हैं, जो आपने प्रमोशंस करे हैं, जिसको सरकारी नौकरी में किसी को अपॉइंट, देखिए प्राइवेट में आप कुछ भी करिए, प्राइवेट में आप कुछ भी करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में किसी को अपॉइंट करते हो तो किस अथॉरिटी से आपने अपॉइंट करा है, क्या वो क्वालिफाइड है, क्या वो कैपेबल है, क्या उसको आपने मेरिट पर प्रमोट करा है, कैसे प्रमोट करा है. सो थर्ड बुलेट देखें, द टर्म को वारंटो मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी, राइट. And the writ of co-warranto is used to judicially control executive action in the matter of making appointments to public offices under relevant statutory provisions. So writ is also used to protect a citizen from the holder of a public office to which he has no right. किसी को आपने जबरदस्ती प्रमोट कर दिया जिस जो जो वो डिजर्व नहीं करता था, तो उसको आपको वहां से हटाना पड़ेगा. So term co-warranto means what is your authority. Writ of co-warranto is used to judicially control executive action in the matter of making appointments to public offices. This is what co-warranto is. So Indian Constitution empowers the Supreme Court to issue writs for enforcement of any of the fundamental rights conferred by Part 3 of Indian Constitution under Article 32. तो Article 32 के अंतर्गत Part 3 of Indian Constitution है, उसमें enforce करते हो आप writs को, fundamental rights के writs को enforce करते हो.
सो पावर टू इशू रिट्स इज प्राइमरली अ प्रोविजन मेड टू मेक अवेलेबल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू एवरी सिटीजन. सो पावर टू इशू रिट्स इज प्राइमरली अ प्रोविजन मेड टू मेक अवेलेबल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू एवरी सिटीजन. तो आर्टिकल 32 के तहत ये चीज़ बताई जाती है दैट एवरी सिंगल फंडामेंटल राइट इज इन्फोर्सिबल, और वो इन्फोर्सिबल बनाया गया है आर्टिकल 32 के तहत, जिसमें आप सब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जो है रिट फाइल कर सकते हो, रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो, पांचों में से कोई भी रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो, सो दैट फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल बने और सुप्रीम कोर्ट विल सी टू इट दैट इट इज दैट योर फंडामेंटल राइट इज प्रोटेक्टेड. तो आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट्स को इन्फोर्सेबल बनाता है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के अंदर बनाता है. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32. तो को वारंटो की कंडीशन क्या है, दैट ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, सरकारी दफ्तर होना चाहिए एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्रिएट किया हुआ है. ऑफिस मस्ट बी अ सब्सटैंटिव वन एंड नॉट मेयरली द फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सर्वेंट एट द विल एंड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अनदर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अनदर, इट शुड बी ऑन दिस बेसिस. देर मस्ट हैव बीन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस. So contravention of the constitution or a statute or statutory instrument in appointing such person to that office. ये contravention में होना चाहिए, some contravention में नहीं होना. अगर constitution के contravention में है तब कुछ गलत हो रहा है, then something is wrong. It cannot be issued against private or ministerial office. तो ध्यान रखें private तो नहीं हो सकता, private में तो आप कोई कुछ भी करो, किसी को किसी भी position पर बिठा दो, even if a person is not capable, then also you elevate that position to the to a CEO or probably a managing director does not make much of a difference. Or ministerial office. Ministerial office को भी आप सवाल नहीं उठा सकते कि minister आपने किसको बना दिया. हाँ, आपने किसी bureaucrat को untimely promotion दे दिया तो वो कैसे दे दिया, उस पर co-warrant to writ हो सकती है. So power to issue writs has been envisaged under article 32, right to constitutional remedies. अम्बेडकर साहब ने इसको बिकॉज ऑफ आर्टिकल 32 या आर्टिकल 32 की वजह से फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस है, इस वजह से अम्बेडकर साहब ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया था. दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको ध्यान रखें. एंड क्वेश्चन नंबर 12 इनकरेक्ट पूछा हुआ है. सो रिट्स कैन बी इशूड टू फोर्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी. नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये दूसरी रिट है, ये मैंडमस है. मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड. First is incorrect. And writ is used to protect a citizen from the holder of a public office. बिल्कुल सही बात है. Second is correct. Writ can be issued against the substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution which is involved. अगर constitution violate होता है तो आप को वारंटो की writ जो है वो फाइल करते हो. It can also be issued against private or ministerial office. Private or ministerial office के खिलाफ भी ये चीज़ नहीं हो सकती, तो ये statement गलत है. 1 and 4 are incorrect. C, 1 and 4 are incorrect. So guys, as you know that my courses are live on the platform, so do subscribe to my courses. Mere courses ko zarur subscribe kariye. My code is AYU10. I repeat, my code is AYU10. You can subscribe to my courses on Unacademy Plus. I come up with awesome courses and you will also get access to the top educators on the platform. All right guys, that would be it for today. Aaj ke liye itna hi. Hum resume karenge, hum polity quiz part 3 ko lekar aayenge. Theek hai ji? Bye everyone. Thank you so much. Take care and all the best.